Yeah. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. This legacy, you won't see what's left of me. तो हेलो गाइस, मैं चुका हूं एक न्यू BGMI गेम लेवल डिलेयर के ऑफिस, और आप लोगों ने आउटफिट वगैरह कुछ देखा नहीं कि पैरासूट की स्किन वगैरह कुछ भी नहीं। इसका मतलब कि मैं आज लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए एक चैलेंज, जिसके अंदर कि मैं बस स्नाइपर ही चलाऊंगा। इसके अलावा मैं कोई भी वेपन्स यूज़ नहीं करूँगा, जो कि मुझे उतरते ही M24 मिल गई और सामने एक बंदा भी मिल गया। अब क्या है ना, इसके अंदर मैं और कोई सी भी गन यूज़ नहीं करने वाला हूँ, ओनली स्नाइपर। अब सामने मुझे एक बंदा तो दिखता है, पर ये कुछ अपने इसमें ही था, पर एट द एंड मैंने उसको मार दिया। बस को मैंने फिनिश किया, और तो और जो कि है कि मुझे जिस भी बंदे को मैं मारूँगा यहाँ पर, मैं उसकी आउटफिट चेंज करूँगा, और मैं लास्ट तक कोई हीलिंग यूज़ नहीं करूँगा। अब देखते हैं कि हम चिकन निकाल पाते हैं या नहीं। अब क्या था ना कि मैं इतने में लूट ही कर रहा था, पर अब ये तो मुझे बोट लग रहा था, जैसे आई डोंट नो बोट का बंदा था। मैंने इसको मारा और इसकी भी आउटफिट चेंज की। मतलब जितने भी बंदों को मैं मारने वाला हूँ इसके अंदर, मैं सभी की आउटफिट्स पहनने वाला हूँ। मुझे यहाँ पर मोशन भी मिल गई थी, तो मैं AK-98 और M24 लेकर के आ जाता हूँ यहाँ नीचे, क्योंकि इसके पास में भी एक और बंदा था यहाँ पर खड़ा हुआ था, बोर्ड था। इसको भी मारा, अब जो कि इसके अंदर अधिकतर आप लोगों को बोट ही देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि मैं जो खेल रहा हूँ इसके अंदर मेरे लेवल से सिर्फ और सिर्फ 20 है, जो कि मैंने कुछ दिनों पहले ही ये न्यू आईडी क्रिएट की थी। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ थोड़ा यूनिक करता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा चैलेंजिंग वाला कुछ लेकर गया हूँ, और मैं इधर आ गया था शोरूम की तरफ में देखने के लिए कि लैम्बोर्गिनी। वैसे मैं इसके पहले आया नहीं था यहाँ पर, मैंने गाड़ी उठाई और मैं यहाँ से आ गया सीधा पोचिंगी की तरफ में, क्योंकि पोचिंगी की तरफ में मुझे ऐसा लग रहा था कि बंदे हो सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे बस दो ही बंदे मिले जिसके बाद एक बोट मिल गया था। अब पर मैं यहाँ पर आता ही हूँ और खड़ा होता ही हूँ, इतने में मुझे एक बंदा दिखता है, आप लोगों को दिखा होगा। अभी इस वाले बंदे ने फायरिंग की थी उस तरफ से, इसलिए मैं थोड़ा इसकी तरफ में अट्रैक्ट हुआ था। मैं यहाँ पर आता हूँ, लेकिन बंदा क्या था ना कि वापस से इसके पास में जो है झोपड़ी सी बनी हुई है, इसके पास में जाकर के छुप जाता है। पर दिया इसको भी एक हेड, मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा था। ये भी पता नहीं बोर्ड था बंदा था, जो कि आते ही मैंने इसको सीधे ही एक मारी और बंदा खत्म, जो कि मैं इसके अंदर 1v4 भी खेल रहा हूँ। अब मैं वापस से उस तरफ से इस तरफ आ जाता हूँ, मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि नौ की तरफ चलना चाहिए, पर मुझे यहाँ पर एक रास्ते में एक बंदा मिल जाता है। इसको मारा मैंने, और क्या था ना कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके आसपास इसका वहाँ टीममेट वगैरह भी था, तो मैं थोड़ा देखने लिए चला गया था। इसको मैंने फिनिश किया, इसकी लूट की, और तो और क्या था ना कि अब मैं यहाँ से बस निकला और थोड़ा आगे ही जा रहा था मैं, पर इतने में पता नहीं क्या होता है ना कि मेरी गाड़ी पलट जाती है। बस मैं यहाँ पर आया और मेरी गाड़ी पलट जाती है। अब यहाँ पर पता नहीं मैं कैसे बच गया, क्योंकि बस लास्ट अगर जो मैं यहाँ से इसके अंदर से अगर जो नहीं कूदता तो यहाँ पर मैं मर जाता। यहाँ पर एक सॉरी की मैंने यहाँ पर हीलिंग यूज़ की, जो कि मुझे मैं भूल गया था और मैंने तब कर ली थी, तब मुझे याद नहीं आता कि मुझे हीलिंग यूज़ नहीं करनी है। पर मैंने ऐसा सोचा कि मैं इससे वापस से वो डैमेज देता हूँ, थी कि मैंने हीलिंग लगाई, पर इतना डैमेज देने में बहुत टाइम लग जाता, तो मैंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया अपना और इसको नॉक एंड फिनिश किया, इसकी लूट ली।
अच्छे से मैंने लूट की और मैं बाइक से थोड़ा आ जाता हूँ इस तरफ में आगे, क्योंकि यहाँ से भी फायरिंग आ रही थी। अब यहाँ पर एकदम सामने ही मेरे बंदा था, इसको भी मारा मैंने। और क्या था ना, वहां से मैं इस तरफ में आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक बंदा था। मैं जैसे बंदे को मारने लगता हूँ, बंदा चला जाता है कवर के अंदर, जिससे कि बंदा दो से तीन बार बच गया था यहाँ पर। पर अब क्या था ना कि बंदा मैं पूरे सर्कल्स के अंदर घूम गया था, जिसके बाद मुझे बंदे मिल ही नहीं रहे थे। अब एक और ये वाला बंदा मुझे मिलता है, पर इतने में ही आ जाता है जो लास्ट वाला बंदा रहता है वो भी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको थोड़ा यूनिक तरीके से मारता हूँ, इसको मैं थ्रोबल से मारता हूँ। मेरे पास में मोली पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा इसको मोली से मारता हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि उसको मोली नहीं लगी है, और मैं उस तरफ में जाता हूँ M24 लेकर के, पर इतने में लगता है कि वो वाला बंदा जल के मर चुका है। तो बस बताना आपको कैसी वीडियो लगी। वैसे तो मुझे इसके अंदर अधिकतर, वैसे देखने के लिए मुझे दो से तीन ही बंदे दिखे होंगे, बाकी तो मुझे सारे के सारे बोट ही लगे। तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं इसके बाद में कुछ थोड़ा बंदों के साथ में लेकर के आऊँगा, जिसमें कि मैं शॉटगन चैलेंज करूँगा। तो आप बताना मुझे कमेंट करके। तो आई होप यही था आज का गेम प्ले वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ वॉच करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।